हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर कुमार शुक्ला है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ड्राइट कैम जो सॉफ्टवेयर है उससे आप अगर रिकॉर्ड करते हैं और फिर अगर आपकी आवाज़ नहीं जाती है तो क्या दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने बैंडी कैम तो शुरू कर दिया है ना, बैंडी कैम जैसे बनी बैंडी कैम शुरू किया। ये आ गया तो इस पे आप देख रहे होंगे कि ये साउंड चल रहा है ना, क्योंकि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अब ये है कि ये साउंड क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए आपने, जब मैं इसको साइड पे करता हूँ, ठीक है, आप ये ज़रूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये ड्राइट कैम जो है, ये चीज़ें ऑन है कि नहीं ऑन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसको हम अपने मोबाइल से तो ऑन किए हुए हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ड्राइट कैम में आ जाते हैं, इसको चेक नहीं करते हैं। कहने का मतलब मेरी ये है कि हम इसको चेक नहीं करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ड्राइट कैम यानी कंप्यूटर का ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये काम अपना चालू किए हुए है तभी ड्राइट कैम में आवाज़, ये एंड्राइड, ये जो बैंडी कैम है इस पे आवाज़ आएगी। यानी अभी अगर मैं चाहूँ कि इसको खोल के, 1 मिनट, ये हाँ देखिए, ये अगर आप इसे बंद रखेंगे, इस सॉफ्टवेयर को अगर आप बंद रखते हैं, ठीक है, और फिर चाहते हैं कि इसमें साउंड रिकॉर्ड कर, यानी हो जाएगा तो नहीं होगा। विजुअल यानी आपका वीडियो तो आएगा मगर साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है साउंड प्लस वीडियोस दोनों के लिए है। और ये जो है इस पे केवल आपका ओनली वीडियो बस आएगा, साउंड नहीं आएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। तो आप यानी चालू करने से पहले ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसको चालू करने से पहले, जैसे मैं मान लीजिए इसको अब हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और ये कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी आ रही है ना। अब जैसे ये आपका इस पे चलता रहता है, ये सामने है, अब आप इस पे देखिए साउंड भी आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर ये चीज़ आप ऑन नहीं करोगे, इस चीज़ को अगर आपने ऑन नहीं किया तो आप डायरेक्ट इस पे अगर जाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, एक बार और बहुत ही अच्छे ढंग से समझा देता हूँ आपको, है ना, कि कैसे क्या करते हैं। जैसे इसको ऑन किए, ये ऑन हो गया, ये चल रहा है तभी विजुअल इस पे आ रही है, ये चल रहा है तभी साउंड इस पे आ रही है ना। ऐसा भी होता है कि इसको बंद कर देते हैं तो ये डिसकनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, अब हम स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये डिसकनेक्टेड हो गया। तो इसलिए यानी इसको वो करना बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर को, यानी अगर आप इसको नहीं चालू करेंगे तो ना तो आपका विजुअल आएगा और ना ही बैटरी कैम लोड करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन चीज़ तो यही है, अगर आप अपने आप को लाइव रखना चाहते हो तो ये मेन चीज़ है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि डिस्कनेक्ट अभी नहीं करना है ना। तो कहने का मतलब मेरी ये है कि ये साउंड है, ये इसको आप चेक कर लीजिएगा कि यानी इसको आप ऑन करके ही इसको आप चला सकते हैं। अगर आपने इसको ऑन कर दिया है तो जैसे मान लीजिए अब ये है, अब इसको आप चाहो तो साइड भी कर सकते हो, है ना।
इसके लिए ये है, मैंने मतलब ये इसको आप चालू करेंगे तो आपको वीडियो भी आएगा, साउंड भी आएगा, सब कुछ आएगा। मगर ये अगर आप चाहोगे केवल स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाए, तो इस केवल स्क्रीन बस रिकॉर्ड होगी, तो केवल ये इसको बस आप ऑन करोगे तो केवल स्क्रीन रिकॉर्ड होगी। ये मैं मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। क्या चलाते समय थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है। यानी आप जो बैंडी कैम से रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आपको ये विजुअल चाहिए, ये विजुअल, ये जो सामने वीडियो जा रही है, तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ये आ जाएगा, है ना? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है कनेक्ट करने में, या जैसे ये वीडियो जा रही है साउंड नहीं आ रहा है, कीमत सोचिए कि वीडियो ये जैसे आपने बैंडीकैम स्टार्ट तो कर दिया है ना, ये चीज़, ये आपने, मैं इसको बंद कर देता हूँ सॉफ्टवेयर को, है ना? ओके, चलो मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया, ये साउंड चालू हो गया, आया समझ में? हाँ, ये जैसे ये मैंने चालू किया तो ये साउंड स्टार्ट हो गया, विजुअल भी आने लगा, है ना? ये यहाँ पे भी चालू हो गया, और ये कैमरा जो है वो इसका है, ये जो दिखा रहा है स्क्रीन, बाकी ये सॉफ्टवेयर का है, ये कैमरा जो है वो सॉफ्टवेयर का है, और ये स्क्रीन जो है वो इसकी है ना? अब आप इसको अगर चाहो, जैसे ये मेरे को बहुत बड़ी स्क्रीन है तो इसको नहीं चाहिए, साइड कर दीजिए, छोटे से स्क्रीन पे अगर आप दिखाई दे रहे हैं, है ना? जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं दिखाई भी दे रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं कि मैं सामने नज़र में आ गया हूँ, है ना? चलो कोई बात नहीं। तो ये यानी आपको अगर ऐसा वीडियो तैयार करना है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। यानी मैंने आपको इस समझा दिया कि आप इसको चालू करके ही इसको चालू करिएगा, जैसे ये चालू हो जाएगा तो आपका साउंड भी आने लगेगा और ये भी आने लगेगा, विजुअल भी, तो दोनों चीज़ को एक साथ चालू करना ज़रूरी है। अब मैं आप अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिलहाल मैंने आपको इस सॉफ्टवेयर और इसके बारे में तभी नॉलेज बता दिया है कि वीडियो वगैरह कैसी आती है ना। चलिए, अगले साउंड अगले वीडियोज में मैं आपको भी कुछ इसी से रिलेटेड जानकारी लेके आता रहूँगा। मेरा नाम पुष्कर कुमार शुक्ला है, और मैं क्या है कि मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल चालू किया है, इस वजह से अभी मैं सेटिंग ही बना रहा हूँ। मुझे कई सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मगर क्या है कि सॉल्व करता जाता हूँ, जैसे ही सॉल्व करता जाऊँगा मैं आप लोगों को भी बताता जाऊँगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना? तो आप लोग भी इस समस्या में ना फंसे, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि बता दूँ, ताकि आप लोग को ये दिक्कत ना आए जो मैं झेल रहा हूँ। ओके।
धन्यवाद।